हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑफ यू। स्टूडेंट स्टेइंग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 पॉलिटिक्स जो हमारी सीरीज है उसमें 9 क्लास का एक चैप्टर है। चैप्टर का नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी क्या होती है, नहीं व्हाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या हो सकता है, क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, आप लोगों ने सुना भी होगा। तो देखते हैं व्हाट इज डेमोक्रेसी, इसकी फीचर क्या है। दिस चैप्टर बिल्ड ए सिंपल डेफिनेशन आपको बताएगा कि डेमोक्रेसी क्या होती है स्टेप बाय स्टेप, एंड यू वर्क आउट द मीनिंग जो इसके अंदर इन्वॉल्व है, उनका तो क्या मतलब है ये हम समझने की कोशिश करेंगे, एंड मिनिमम फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के क्या क्या होते हैं। आफ्टर गोइंग थ्रू द चैप्टर आपको पता चलेगा कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक में क्या डिफरेंस है। टुवर्ड द एंड ऑफ दिस चैप्टर मिनिमम ऑब्जेक्टिव आपको दिए गए, इंट्रोड्यूस ए ब्रॉड आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, मोस्ट प्रेवलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड, ये कौन सी है, डेमोक्रेसी, टूडे एक्सपेंडिंग टू मोर कंट्रीज, बट वाई इट इज सो, वट मेक्स बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन सेकेंड वीक क्वेश्चन दैट टेकिंग दिस चैप्टर। चलो देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डेमोक्रेसी। यू हैव रीड अदर डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें मोनार्क कौन होता है, एक हेड होता है, जिसमें सिर्फ आपकी उसी की चलेगी। वो डेमोक्रेसी में लोगों का पार्टिसिपेशन होता है, सभी लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं ऑन बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। मेंशनिंग आपको दिखाया गया है डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन डेमोक्रेसी। बिफोर यू प्रोसीड फर्दर लेट अस फर्स्ट टेक एन ऑब्जेक्शन बाय द मैरी, शी डज नॉट लाइक दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी एंड वांट टू आस्क सम बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहती है उसकी जो टीचर है मटीदा, व्हाट इज द लिंग गो जो बी है, रिस्पोंड टू द क्वेश्चन। मैरी पूछती है, मैम आई डोंट लाइक दिस आइडिया, फर्स्ट वी स्पेंड टाइम डिस्कसिंग डेमोक्रेसी, देन वी स्पेंड वी वांट टू फाइंड आउट मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी, आई मीन लॉजिकली शुडंट वी हैव अप्रोच इट अदर वे, दूसरी वे से हम समझ सकते हैं मीनिंग हैव कम फ्रॉम द एग्जाम्पल। उसकी मैडम बोलती है आई सी योर पॉइंट, बट दैट इज हाउ वी रीज इन एवरीडे लाइफ, वी वर्ड्स लाइक पेन रेन और लव डू वी वेट टू हैव डेफिनेशन, क्या हमको इनका मतलब समझने क्या हो सकता है। फिर मेरी बोलती है बट वाई डू वी नीड डेफिनेशन एट ऑल, वी नीड अ डेफिनेशन ओनली वेन इट कम्स टू डिफिकल्टी इन द यूज ऑफ वर्ड, जब इसका आपको यूज करना नहीं आया तो आपको डेमोक्रेसी समझनी पड़ेगी, मतलब इस कोई भी वर्ड हो द सेम इज द सेम इज ट्रू फॉर द डेमोक्रेसी, वी नीड ए क्लियर डेफिनेशन क्या हो सकता है, ओनली बिकॉज पीपल यूज इट डिफरेंट पर्पज के लिए लोग इसको यूज करते हैं, रेब यंग, बट वाई डू वी नीड टू वर्क ए डेफिनेशन, वो डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, वेल इन मेघालय पीपल वी इन मेघालय ऑलवेज रूल्ड अवर सेल्फ दैट इज एक्सेप्टेड बाई एवरी वन, देन वाई डू वी नीड टू चेंज इट। मैडम बोलती है आई एम नॉट सेइंग वी नीड टू चेंज इट, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि उसको चेंज करने का सकता है, we do find the definition very beautiful that is it, but we don't that this is the best way of defining unless we think about it ourselves, we must not accept something just because it famous, कोई चीज फेमस इसीलिए हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो योलांडा बोलती है मैम कैन आई सजेस्ट समथिंग, वी डोंट नीड टू लुक फॉर एनी डेफिनेशन, आई रीड समवेयर दैट द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स डेमोक्रेटिया से आया है, इन ग्रीक डेमोस का मतलब है पीपल एंड क्रेटिया का मतलब है रूल, तो पीपल का रूल फिर लोगों का रूल, सो डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल, दिस इज करेक्ट मीनिंग, वेयर आई नीड टू डिबेट। इसकी मैडम बोलती है दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर द वे ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस मैटर, बट आई वुड जस्ट से दैट इट डज नॉट ऑलवेज वर्क, ए वर्ड डज नॉट रिमेन टाइड टू इट्स ओरिजिन, जस्ट थिंक ऑफ कंप्यूटर्स, ओरिजिनली दे वर यूज्ड टू कंप्यूटिंग कैलकुलेशन के लिए, बट आजकल उसका इंटरनेट के लिए यूज होता है, सो ये बात है मैरी। सो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग दैट इज नॉट शॉर्टकट ऑफ आवर थिंकिंग बट मैटर आवर सेल्फ एंड थिंक अबाउट इट्स मीनिंग ऑफ इवोल्व डेफिनेशन, यस यू आर राइट, लेट्स गो नाउ। सो डेमोक्रेसी बेसिकली ए सिंपल डेफिनेशन की बात करें, लेट अस बैक टू अवर डिस्कशन ऑन द सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस अमंग द गवर्नमेंट, जिसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। सो सिंपल फैक्टर के रूप में जो कॉमन रहेगा सभी डेमोक्रेसी के लिए, जिसमें क्या होगा जो गवर्नमेंट है चूज बाय द पीपल, वी कुड द स्टार्ट दैट विद द सिंपल डेफिनेशन, डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल, ठीक है, एंड दिस इज यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट हमारे लिए। दिस डेफिनेशन ऑलवेज अलाउ अस टू सेपरेट द डेमोक्रेसी फ्रॉम गवर्नमेंट एंड जो आपकी डेमोक्रेसी है नॉन डेमोक्रेसी से। द आर्मी रूल ऑफ म्यांमार की बात करें, वर नॉट इलेक्टेड बाय पीपल, जो आर्मी रूल आपके म्यांमार में करेगी वो लोगों के द्वारा सिलेक्ट की हुई नहीं थी, दोज हु हैपेंड इन टू बी कंट्रोल ऑफ द आर्मी बिकेम द रूलर ऑफ द कंट्री, जिसके पास भी आर्मी है पीपल हैड टू से यस, पीपल हैड नो से इन दिस डिसीजन, डिक्टेटर लाइक पिनसोट
आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, दिस इज ऑल्सो असेंबल्ड मोनार्की एक टाइप की है, द किंग ऑल्सो सऊदी अरबिया का भी रूल नॉट बिकॉज पीपल हैव चूज, ऐसा नहीं कि लोगों ने इसको सिलेक्ट किया था बट दे आर बोर्न इन टू द रॉयल फैमिली, ये भी एक कारण था मोनार्क फैमिली का। दिस सिंपल डेफिनेशन इज नॉट एडिक्वेट, इट रिमाइंड अस दैट डेमोक्रेसी इज पीपल्स रूल, बट वी यूज दिस डेफिनेशन इन अनथिंकिंग मैनर, विच वुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड एन इलेक्शन अ डेमोक्रेसी, दैट वुड बी वेरी मिसलीडिंग एज वी शैल फाइंड दैट इन अवर चैप्टर थ्री, एवरी गवर्नमेंट इन कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड वॉन्ट टू बी कॉल्ड ए डेमोक्रेसी कहलाना चाह रही थी, इवन इफ इट इज नॉट सो, अगर वो नहीं थी तो भी वो अपने आप को डेमोक्रेसी बोल रही। डेमोक्रेसी का हिंदी का मतलब है लोकतंत्र, ठीक है। दिस इज वाई वी नीड टू केयरफुली डिस्टिंग्विश, हमको करना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी कौन सी है एंड नॉन डेमोक्रेसी कौन सी। वी नीड टू शो बाय द अंडरस्टैंडिंग ईच वर्ड इन दिस डेफिनेशन केयरफुली एंड स्पेलिंग द फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। देन लिया बियंग वेंट बैक होम एंड कलेक्टेड सम मोर फेमस कोटेशन उसने एपी डेमोक्रेसी पे वो किए हैं। देन दिस टाइम डिड नॉट मेंशन द नेम ऑफ पीपल हु सेड एंड रोट, सी वांट्स टू वांट्स यू टू रीड दिस कमेंट, देखते हैं डेमोक्रेसी गिव्स एवरी मैन द राइट टू बी हिज ओन ओप्रेशन ओप्रेसर, डेमोक्रेसी कंसिस्ट ऑफ चूजिंग योर डिक्टेटर आफ्टर दे वुड टोल्ड यू दैट व्हाट यू थिंक इफ यू वांट टू हियर, डेमोक्रेसी कैपेसिटी फॉर जस्टिस मेक डेमोक्रेसी पॉसिबल बट मैंस इंक्लिनेशन टू इनजस्टिस मेक डेमोक्रेसी नेसेसरी, डेमोक्रेसी इज एडवाइस एंड डिवाइस है दैट इंश्योर वी शैल बी गवर्न नो बेटर देन वी डिजर्व, बट ऑल द डेमोक्रेसी कैन बी क्योर्ड बाई मोर डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी का जो ज्यादा लिखेंगे तो उसका है मोर डेमोक्रेसी। फीचर ऑफ डेमोक्रेसी देखते हैं, डेमोक्रेसी द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रूलर जिसको जिसमें जो लोग हैं वो इसको इलेक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हु आर द रूलर्स, रूलर्स कौन है, विच ऑफिशियल मस्ट बी इलेक्टेड बाई गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड डेमोक्रेसी, विच डिसीजन मस्ट बी टेकन बाई नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल इन डेमोक्रेसी, व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन होंगे, कौन लोग होंगे जो इनको इलेक्ट करेंगे, देन विच काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन डेमोक्रेसी, कौन से इलेक्टेड रूलर वट एवर शो इन द डेमोक्रेसी एंड, और मस्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन करेगी सम लिमिट्स के साथ, इज इट नेसेसरी फॉर रिस्पेक्ट राइट ऑफ द सिटीजन, तो देखते हैं या बता गया मेजर डिसीजन बाय द इलेक्टेड लीडर्स ने कुछ डिसीजन लिए। पाकिस्तान की बात करें तो जनरल परवेज मुशर्रफ लेड मिलिट्री कोप 1919 के अंदर, मिलिट्री कोप जो मिलिट्री आपका एक्वायर करती है इस जगह को, जो बोल सकते हैं काइंड ऑफ प्रोजेक्ट या फिर मिशन, उसको मिलिट्री कोप बोलते हैं, ठीक है। ही ओवरथ्रू अ डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट को इसने ओवरथ्रू कर दिया एंड डिक्लेयर हिमसेल्फ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, इसने बना लिया। लेटर ही चेंज हिज डेजिग्नेशन टू प्रेजिडेंट 2002 में एंड एक रेफरेंडम रखा है जिसमें लोग बोलते हैं, मतलब लोग अपने उसके लिए रेफरेंडम, मतलब ये चार काइंड ऑफ डेमोक्रेसी के आपके पिलर हैं, रेफरेंडम रिकॉल एंड प्लेबिसाइट, एक और था यार डायरेक्ट डेमोक्रेसी के पार्ट होते हैं रेफरेंडम जिसमें लोग अपने डायरेक्ट सहमति बताते हैं। That country granted him a 5-year extension. Pakistani media, human rights organization and democracy activists said that referendum based था malpractice and fraud के ऊपर। उससे पहले ये देख लेते हैं ये क्या बता रहा कार्टून से। Democracy, no entry before you will fill the form and become a member. Al Wak party, is that clear? बता गया सीरिया इज द स्मॉल वेस्ट कंट्री है, वेस्ट में द बाथ पार्टी एंड सम टाइम ऑफ द small allies are only parties allowed in the country. Do you think that the cartoon apply to China or Mexico? What does the crown of leaves on democracy signify? इसके अलावा इस कार्टून को देखते हैं कि आप वोट डालिए नहीं तो गोली मारते हैं, ऐसा लैटिन अमेरिका कंटेक्स्ट और पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में वैसा बताया गया, ठीक है। इसके अलावा इन अगस्त 2002 के अंदर लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर आपके आए थे जो अमेंड किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को, अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर प्रेजिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली को डिसमिस कर सकता है एंड द वर्क ऑफ सिविलियन कैबिनेट जो है सुपरवाइज द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जिसको सुपरवाइज करेगी डोमिनेट बाय द मिलिट्री ऑफिसर, आफ्टर पासिंग दिस लॉ इलेक्शन वर हेल्ड द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली में, पाकिस्तान हैड इलेक्शन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड हैव सम पावर्स बट द फाइनल पावर रेस्टेड विद द मिलिट्री ऑफिसर जिसको क्या नाम था जनरल मुशफ्फर हुसैन। क्लियरली देर आर मेनी रीजन दैट वाई पाकिस्तान अंडर द जनरल मुशफ्फर के अंदर
क्यों थे एंड इसको हम डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते, बट लेट अस फोकस ऑन दीज. कैन वी से दैट द रूलर्स आर सिलेक्टेड और इलेक्टेड बाय द पीपल इन पाकिस्तान? नो क्वाइट, ऐसा नहीं है. पीपल मे हैव इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव टू नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली में जो इलेक्ट करेंगे, बट दोज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वर नॉट रियली द रूलर्स. वो डायरेक्ट रूलर नहीं बनेंगे, रूलर आपका मिलिट्री वाला ही रह रहा है. दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन. द पावर टू मेक फाइनल डिसीजन आर्मी ऑफिसियल के अंदर थी. दिस हैपन इन मेनी डिक्टेटरशिप एंड मोनार्क के अंदर ऐसा होता है. एंड दे फॉर्मली हैव इलेक्टेड पार्लियामेंट होती है, उनकी गवर्नमेंट होती है, बट द रियल पावर उनके पास नहीं होती जो इलेक्ट होते हैं. इन ए फ्यू कंट्रीज द रियल पावर विद सम एक्सटर्नल पावर आर नॉट विद द लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड दिस कैन नॉट बी पीपल्स रूल. और ये लोगों का रूल नहीं है. सो आपसे इससे आपको एक पता चलता है कि इन डेमोक्रेसी फाइनल डिसीजन होता है. मेकिंग पावर मस्ट बी रियलाइज किसके अंदर होगा? इलेक्टेड लोगों के अंदर, जो आपको जिनको आप इलेक्ट करोगे, जिनको आप असेंबली में, जो आपके लोकसभा उसके अंदर भेजोगे, राज्यसभा में भेजोगे, उनके पास पावर होनी चाहिए. एक आपका ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रोल कंपटीशन भी होना चाहिए. चाइना की बात करें, चाइना आर रेगुलरली हेल्ड एवरी 5 ईयर ऑफ इलेक्टिंग द गवर्नमेंट एंड कंट्रीज पार्लियामेंट के लिए, जिसको क्या बोलते हैं, कानून गो रेनमिन डाइबियो दहू, जिसको मतलब है नेशनल कांग्रेस, नेशनल पीपल्स कांग्रेस. नेशनल पीपल्स जो कांग्रेस है, पावर है टू अपॉइंट द प्रेजिडेंट ऑफ द कंट्री. इट हैज नियरली 3,000 मेंबर है जो कि इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द चाइना. सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी ऑल्सो. बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन ए कैंडिडेट नीड टू अप्रूवल आपको लेना पड़ता है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का. ओनली दोज हु आर मेंबर ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और 8 स्मॉलर पार्टी और है ये अलाउ है कंटेस्ट करने के लिए. एंड गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड, किसके द्वारा होती है? कम्युनिस्ट ही फॉर्म कर रहे हैं. सो सिंस इंडिपेंडेंट इन 1930 से लेके मैक्सिको भी आपका इलेक्शन करवा रहा है आफ्टर एवरी 6 ईयर टू इलेक्ट इट्स प्रेजिडेंट. एंड द कंट्री हैज बीन नेवर अंडर ए मिलिट्री और डिक्टेटर रूल के अंदर नहीं आई, बट 2000 के बाद अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वॉज वॉन बाई पार्टी, जिसका क्या नाम है, PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी. अपोजिशन पार्टी कंटेस्ट ही नहीं करती, बट नेवर मैनेज टू विन. कंटेस्ट करती है बट नहीं जीतती. द PRI वाज नॉन यूज द डर्टी ट्रिक्स ये यूज करती है इलेक्शन के अंदर, मतलब फेयर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन ये लोग नहीं करते. ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसर हैड टू अटेंड इन द पार्टी मीटिंग्स अटेंड करते हैं. टीचर ऑफ गवर्नमेंट स्कूल यूज टू फोर्स पेरेंट टू वोट फॉर द PRI. मीडिया लार्जली इग्नोर करता है एक्टिविटी ऑपोजिशन का. पोलिटिकल पार्टी एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम. समटाइम द पोलिंग बूथ जो है वो शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द लास्ट मिनट, जिससे क्या होता है सारा का सारा गेम पलट जाता है. ये भी आपकी पिक्चर नहीं है. एंड शुड बी कंसिडर द इलेक्शन डिस्क्राइब एज एग्जांपल ऑफ पीपल इलेक्टिंग द रूलर, नहीं ऐसा नहीं बोल सकते. द मेनी प्रॉब्लम हियर इन चाइना द इलेक्शन डू नॉट ऑफर द पीपल सीरियस चॉइस, लोगों को नहीं देता. दे चूज द रूलिंग पार्टी एंड कैंडिडेट अप्रूव्ड बाय इट. कैन वी कॉल इट ए चॉइस, चेंज को चॉइस बोल सकते हैं. इन मैक्सिकन मैक्सिको की बात करें, पीपल सीम टू बी हैव चॉइस बट इन प्रैक्टिस उनके पास चॉइस नहीं है. दे आर नो चॉइस ऑफ द रूलिंग पार्टी. तो यही बात है. सो फाइनली द इलेक्शन मस्ट ऑफर ए रियल चॉइस आपको देता है विद द पॉलिटिकल अल्टरनेटिव, अगर आप अच्छे से इलेक्शन कंडक्ट करते हो. एंड शुड बी पॉसिबल फॉर द पीपल टू यूज द चॉइस टू रिमूव द एग्जिस्टिंग रूलर को, रिमूव करने की पावर भी होनी चाहिए. ए डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन. एक तो याद रखना है डेमोक्रेसी का मतलब है कि मस्ट बी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जहाँ पे करंटली जो पावर है फेयर ऑफ लूजिंग ऑल्सो, कि उसको ये भी डर हो कि मैं जा भी सकता हूँ. We shall find it more in chapter number 3. Chapter number 3 में इसके हम ज़्यादा पढ़ेंगे. मैं बता गया कि building democracy, Latin America उस पर थोप रहे हैं, यहाँ से चीजें निकल रही हैं. One person, one vote, one value. ऐसा होना चाहिए. Earlier we have read about the high struggle for the democracy was linked to the demand of universal Indian franchise. इतना कि सभी लोगों को वोट करने का अधिकार मिले, उसके लिए हम कितना लड़े हैं. This principle has now come to be accepted almost all over the world. में accept हो चुका है. And there are many instances जहाँ पे डिनाई भी किया जा रहा है लोगों को राइट टू वोट के लिए. 2015 की बात करें तो सऊदी अरबिया में वुमेन्स डिड नॉट हैव राइट टू वोट. एस्टोनिया हैव मेड इट्स सिटीजन रूल इन सच ए वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड डिफिकल्ट टू गेट द राइट ऑफ वोट. फिजी की बात करें तो इलेक्ट्रोल सिस्टम सच दैट वुमेन ऑफ सॉरी वोट ऑफ एन इंडिजिनस फिजी हैज मोर वैल्यू है देन इंडियन फिजियन से. डेमोक्रेसी आपकी बेस्ड होनी चाहिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी की. That gives the third feature of democracy. That is, each adult citizen must have one vote and one value. इसके बारे में हम chapter 3 में और भी ज़्यादा पढ़ने वाले हैं.
होता है कि वन व्हाट वन वैल्यू होनी चाहिए. इराक हेल्ड आफ्टर सद्दाम हुसैन रिजाइन और थ्रू ही वाज सोन बिहाइंड द बार. शी सब ठीक है. एवेक होना चाहिए कि रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर द राइट. यहाँ पे जिम्बाब्वे का एग्जांपल दिया गया. जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम व्हाइट माइनॉरिटी. तो माइनॉरिटी से आजादी मिली है 1980 के अंदर. सिंस देन द कंट्री हैज बीन रूल्ड बाय जानू पीएफ. द पार्टी हियर के दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल इट्स लीडर रॉबर्ट मुगे रूल द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस एंड इलेक्शन वर हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वोन बाय. इसके द्वारा ही जीते जाते हैं. प्रेजेंट मुगाबे वाज पॉपुलरली बट ऑल्सो यूज अनफेयर प्रैक्टिस ये यूज करा था. ओवर द ईयर्स हिज गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स टू इंक्रीज द पावर ऑफ प्रेजिडेंट एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल. खुद को बना रहा था. ओपोजिशन पार्टी वर्कर आर हरेस्ट. उनको हरास करा था. एंड मीटिंग डिस्टर्ब हो रही थी. पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर डिक्लेयर्ड इलीगल. की डेमोन्स्ट्रेशन अगर करोगे तो ये इलीगल हो जाएगी. देयर वॉज ए लॉ विद लिमिटेड राइट ऑफ क्रिटिसाइज द प्रेजिडेंट. प्रेजिडेंट को क्रिटिसाइज करने का ज्यादा राइट नहीं था. टेलीविजन रेडियो वर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गेव ओनली रूलिंग पार्टी का वर्जन. ये आपको दिखाना है कि ये अच्छी है. एंड देयर वर इंडिपेंडेंट न्यूज पेपर थे बट गवर्नमेंट हरास करती थी इनको भी. जर्नलिस्ट जो इनके आगे खिलाफ में जाएगा उसको भी ये लोग देख लेंगे बाद में. गवर्नमेंट इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट को भी इग्नोर कर रही थी. एंड प्रेशराइज्ड द जज ही वाज फोर्स्ड आउट ऑफ ऑफिस इन 2017. द एग्जांपल ऑफ जिम्बाब्वे शो दैट पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर इज नेसेसरी इन डेमोक्रेसी. कि ऐसा है, अगर एक ही पार्टी करती रहेगी तो फिर वो अगेन डिक्टेटर बन जाएंगे. पॉपुलर गवर्नमेंट कैन भी अनडेमोक्रेटिक अगर हो सकती है सिर्फ अगर वो इस टाइप से तानाशाही करेगी. पॉपुलरली लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक. इफ यू विश टू असेस ए डेमोक्रेसी इट इज इम्पोर्टेंट टू लुक दैट इलेक्शन किस टाइप से हो रहे हैं. बट ऑल्सो इक्वल है कि लुक बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शन के बाद भी क्या हो रहा है. देयर शुड बी सफिशियंट रूम फॉर नॉर्मल पोलिटिकल एक्टिविटी इंक्लूडिंग पोलिटिकल ओपोजिशन ऑल्सो. सो ओपोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी एंड टू मेक जो मेजर पार्टी उसको अकाउंटेबल बनाने के लिए बहुत जरूरी है. दिस रिक्वायर दैट द स्टेट शुड रेस्पेक्ट सम बेसिक राइट ऑफ द सिटीजन. दे शुड बी फ्री टू थिंक टू हैव ओपिनियन टू एक्सप्रेस दिस इन द पब्लिक टू फॉर्म एसोसिएशन टू प्रोटेस्ट एंड टेक अदर पोलिटिकल एक्शन ऑल्सो. एवरी वन शुड बी इक्वल इन आई ऑफ लॉ. कानून की आंखों कानून की नजरों में सब लोग इक्वल होने चाहिए. दीज राइट मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाई इंडिपेंडेंट अथॉरिटी के द्वारा. आपकी प्रोटेक्ट हो इंडिपेंडेंट जुडिशरी. बस कार्टून से बना रखे हैं. वी शैल बी मोर अबाउट चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे. सिमिलरली देर आर सम कैंडिडेट दैट अप्लाई टू द वे ए गवर्नमेंट इट रन आफ्टर द इलेक्शन. ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू वट एवर इट लाइक्स. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो नहीं करेगी जो उसको अच्छा लगे. वो करेगी जो लोगों के लिए अच्छा हो. एंड इट हैज टू रेस्पेक्ट सम बेसिक रूल की रेस्पेक्ट करेगी. इन पर्टिकुलर इट हैज रेस्पेक्ट सम गारंटी टू द माइनॉरिटी ऑल्सो. एवरी मेजर डिसीजन हैज गो थ्रू ए सीरीज ऑफ पोस्ट कंसल्टेशन के बाद ही आप करोगे. एवरी ऑफिस बियर हैज सर्टेन राइट होते हैं. कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी करनी पड़ेगी जो कि रूल ऑफ लॉ के साथ हो. ईच ऑफ दीज एंड अकाउंटेबल नॉट ओनली टू द पीपल बट ऑल्सो टू द अदर इंडिपेंडेंट ऑफिशियल के लिए आप अकाउंटेबल रहोगे. बोथ दीज एस्पेक्ट गिव द फोर्थ एंड फाइनल पिक्चर ऑफ डेमोक्रेसी. जिसका मतलब क्या है. डेमोक्रेसी गवर्नमेंट रूल विद इन लिमिट सेट बाई द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड सिटीजन राइट के अंदर ही रह के आप काम करोगे. अब देखते हैं समरी डेफिनेशन क्या बनती है इसकी. डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल. वी फाउंड दैट डेफिनेशन वाज नॉट एडिक्वेट अनलेस वी एक्सप्लेन अदर फीचर आल्सो. सो रूलर इलेक्ट होने चाहिए बाय द पीपल. ऑल मेजर डिसीजन वही लेंगे. इलेक्शन ऑफर ए चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी मिले लोगों को टू चेंज द करंट रूलर आल्सो. दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस पे होना चाहिए. एक्सरसाइज ऑफ इट चॉइस लीड टू द गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सिटीजन राइट. चाइनीज गवर्नमेंट ब्लॉक द फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन इंटरनेट बाई प्लेसिंग रेस्ट्रिक्शन इन्होंने लगा रखी गूगल और याहू के ऊपर. द इमेज ऑफ टैंक एंड अनआर्म्ड स्टूडेंट रिमाइंड द रीडर ऑफ अनदर मेजर इवेंट इन रिसेंट चाइनीज हिस्ट्री. इसके अलावा रीड द 5 एग्जाम्पल ऑफ वर्किंग ऑफ डिनाइल ऑफ डेमोक्रेसी. मैच द फॉलोइंग. आप देख सकते हैं आप खुद मिला लेना. वन पर्सन वन बॉडी उनसे राइट करेंगे. अब देखते हैं व्हाई डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी क्यों. एन आर्गुमेंट ब्रोक इन द मैडम इसकी क्लास के अंदर. शी हैड फिनिश्ड द टीचिंग ऑफ द प्रीवियस सेक्शन दैट व्हाट इज डेमोक्रेसी. अब ये आ गई है डेमोक्रेसी क्यों आ सकता है. डिबेटिंग मेरिट ऑफ द डेमोक्रेसी. यू ऑल द नाउ
योलंदा जो भी है, विल यू इन द डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल वांट डेमोक्रेसी, ही लोग चाह रहे हैं, कंट्री दैट वर नॉट डेमोक्रेटिक जो नहीं है बिकमिंग डेमोक्रेसी बनने की बात सोच रहे हैं, क्या इस पे हम डिबेट करना चाहेंगे? एक ने बोला वी शुड नॉट एक्सेप्ट समथिंग बिकॉज इट वॉज फेमस, ठीक है एक्चुअली ये गलत बात है. What has democracy brought to our country? Seventh decade of democracy. There is no much. मतलब हमको democracy क्या फायदा हो, इतनी सारी democracy. अपने अपने point of view रख रहे. एक ने बोला but has the democracy got with the it to poverty because we are democratic? तो इसका इससे कोई खास relation नहीं. इसका unequal जो है लोग, तो उसमें पॉलिसी की आवश्यकता है. यानी एक बात करें तो मेक ए डिफरेंस पॉइंट आउट दैट द बेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट क्या हो, स्टेबिलिटी, करप्शन, हाइपोक्रेसी, ये सारी चीजें होती है. Then what should we do instead? That go back to the British rule, invite some king to rule this country. ठीक है. I don't think the country need to be strong leader होना चाहिए. Someone who does not have to bother the other election and parliament. One leader should have all the power. He should able to lead the country. क्या हो सकता है, वो करना चाहिए, वो corruption को remove करेगा. अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं. एक ने बोला कि डिक्टेटरशिप हो जाएगी. व्हाट इफ हैपन दैट स्टार्ट यूजिंग ऑल दिस पावर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली, तो इससे करप्शन भी आ जाएगा. आई एम स्पीकिंग नॉट ओनली ऑनेस्ट होना चाहिए, इट बोल रहा है. देन दिस इज नॉट फेयर, कंपेयर करो डिक्टेटरशिप को इन सबसे, तो वही बात है, ज्यादा कुछ खास यहाँ पे नहीं. फिर मैडम इन सब की बात सुनती है एंड विद इंटरेस्ट नाउ सी स्टेप दैट आई एम डिलाइटेड टू सी यू आर्गुइंग सो पैशनेट आप लोग हो. आई डोंट नो who is right and who is wrong, कौन सही कौन गलत है, but this is for you to settle. But I did feel that you all wanted to speak your mind. You have felt very bad if someone tried to stop you or if someone punished you for saying what you felt. So अगर आपको अब कोई punish करे, so would you be able to that in the country, क्या उसमें रहोगे and क्या वो democracy रहेगी? So अब देखते हैं argument क्या होंगे against the democracy. This conversation आपको बताएगी. फर्स्ट ऑफ ऑल लीडर कीप चेंजिंग इन द डेमोक्रेसी, इससे क्या आ जाती है, इनस्टेबिलिटी. ओके, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले का गेम है. नो स्कोप फॉर द मोरालिटी, लोगों के अंदर इतनी नहीं है. सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन द डेमोक्रेसी, दैट इज लीड टू डिले. इलेक्टेड पीपल डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल, इट लीड टू बैड डिसीजन, ये लोग ले लेते हैं. डेमोक्रेसी लीड टू द करप्शन, इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन पे है एंड ऑर्डिनरी पीपल पता ही नहीं होता लोग अपने डिसीजन ले सकते. दिस डज नॉट गारंटी दैट देयर डिसीजन विल बी गुड, ऐसा नहीं कि उनके डिसीजन अच्छे हों. People can make mistake also. Involving the people in these decision does lead in the delay in decision making. Delay भी हो सकता है. And ये आपका बिल्कुल true है democracy के लिए. India में अगर कोई decision final होता है तो उसमें बहुत time लगता है. Sometimes this can be set back big decision and effect आते हैं government के efficiency के ऊपर. These arguments show that democracy of the kind we see may not the ideal form of government. But this is not a question we face in a real life. The real question that is we face is different. Democracy better than other form of government. Less. Best नहीं बोल सकते, but better form of government. This cartoon is Brazil से, a country that has been long experienced dictatorship था, तो ये आप देख सकते हैं. Argument क्या क्या थे democracy में? China की famine था 1958 और 61 में. Roast recorded famine था world के अंदर. Nearly 3 crore लोग मर गए थे. And during those, India का economic condition भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी. China, India did not have a famine of the kind China like. Economists think that was the result of different government policies के कारण ये हुआ है. Existence of democracy in India made the Indian government respond to the food scarcity in a way China government ने ऐसा नहीं किया. They point out that no large scale famine has been ever taken in an independent and democratic country के अंदर, नहीं होना चाहिए. If China too had a multi-party election होता, an opposition party आपका press free to criticize the government को criticize कर सकती, but then so many people may not died in the famine, तो ज़्यादा लोग नहीं मरते. The example brings that reason why democracy is considered best form of government. Democracy is better than any other government in responding to the need of people. Non-democratic government may
and can respond to the people's need. But it all depends on the wishes of the people. जो रूल कर रहे होंगे की विश के ऊपर डिपेंड है. इफ द रूलर डोंट वॉन्ट टू डू तो वो नहीं करेंगे. तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर गवर्नमेंट. तो याद रखना बस. इसके अलावा देर इज अनदर रीजन दैट वाई डेमोक्रेसी लीड टू द बेटर डिसीजन क्यों लेती है. बिकॉज डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन के ऊपर आपके डिसीजन आते हैं. डेमोक्रेसी डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व मेनी रीजन मेनी पर्सन मेनी डिस्कशन मीटिंग्स एंड ए नंबर ऑफ पीपल पुट देयर हेड टूगेदर दे आर एबल टू पॉइंट आउट पॉसिबल मिस्टेक वो लोग देख सकते हैं. दिस मेक्स थोड़ा टाइम लेती है बट बिग एडवांटेज होता है इससे. दस द डेमोक्रेसी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग को भी इम्प्रूव करता है. जो बोल्ड में लिखा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. रिलेटेड है थर्ड आर्गुमेंट से. डेमोक्रेसी प्रोवाइड द मेथड फॉर डील विद द डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट के साथ आप डील कर सकते हो. इन एनी सोसाइटी पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंस ऑफ द ओपिनियन एंड इंटरेस्ट. दिस डिफरेंस आर पर्टिकुलरली शार्प इन द कंट्री लाइक अवर्स व्हिच हैज अमेजिंग सोशल डाइवर्सिटी. पीपल बिलोंग टू डिफरेंट रीजन स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन. तो इन सब का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए. तो फाइनल इससे निकल के आएगा कि नो वन इज ए परमानेंट लूजर. डिफरेंट ग्रुप कैन लिव विद वन अनदर पीसफुली. ठीक है वही बात रहेंगे. तो डेमोक्रेसी इनहांस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन को इनहांस करती है. वही बातें जो अच्छी अच्छी बातें होती है हम सारी पढ़ रखी. पीपल आर नॉट सब्जेक्ट ऑफ ए रूलर दे आर द रूलर देमसेल्फ. इवन दे कैन मेक मिस्टेक दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट ऑल्सो. फाइनली डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउ टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक ऑफ करेक्ट कर सकते हो डेमोक्रेसी के. As we saw above, there is no guarantee that mistake cannot be made in democracy. No form of government can guarantee that advantage is such mistake cannot be hidden. मतलब अगर mistake तो होगी, decision manager and there is room for correction. Either the ruler have changed their decision के और तो change करेगा. जैसे इंडिया में 3 laws जो farm related से farm laws के थे उसको repeal कर लिया गया तो वो कहीं ना कहीं लोगों के consent के द्वारा. चलो sum up करते हैं. Democracy cannot get us everything. हम सब कुछ हमको नहीं दे सकती and is not the solution of problem but clearly better है other form of government से. offer करती है better chance of good decision का. people's own wishes होती है. allow different kind of view even when the it fail to do some things and correct कर सकते हैं. वही बात है. cartoon आपको पब्लिश कनाडा में कहते हो जर्सी आर में everyone including the cartoons expect the liberal party to win the election again. when the result came liberal party lost the election. the cartoon argument for it. इसने बोला ये जीत जाएगी जीत जाए कुछ नहीं देखते. ये आप खुद पढ़ सकते हो. आप देखते हैं ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. द फेमस कार्टून बाय आरएस लक्ष्मण कमेंट ऑन द सेलिब्रेशन ऑफ द 50 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस. हाउ मेनी इमेज डू वी रिकॉग्नाइज कॉमन फील लोगों क्या हो रहा है. कोई कुछ होगा कोई वो होगा. ठीक है टीवी देख रहे हैं लोग. ब्रॉडर मीनिंग देखते हैं इस चैप्टर. आपको पता चलेगा कि डेमोक्रेसी इज लिमिटेड एंड रिस्पेक्टिव सेंस है. And we have to understand democracy that as a form of government hoti hai. Defining democracy clear minimal feature hoti hai that democracy must have and common form of government hoti hai in our time. So majority is always allowed to take a decision on behalf of the people. Bas ye yaad rakhna hai. Even majority does not rule directly. So majority of the people rule through the elected representative. Matlab hum jo select karte hain logon ko bhej dete hain. So modern democracy may involve such a large number of people that is physically impossible to them to sit together and collective decision. मतलब पूरी इंडिया तो एक जगह नहीं बैठ सकती. तो जो लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे वही बैठ के डिसीजन लेंगे उनके भी आपके ऊपर. इफ दे कुड द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम. उनके पास टाइम भी नहीं है कि लोग सब वहां जाके बैठ जाए. सैन दिस गिव्स ए क्लियर बट मिनिमल अंडरस्टैंडिंग आपको डेमोक्रेसी का देगा. क्लियरिटी है दैट डिस्टिंग्विश द डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक बट इट डज नॉट अलाउ टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसी एंड गुड डेमोक्रेसी. में बताऊं वो डिफरेंस वो क्लियरली नहीं कर सकते. इट डज नॉट अलाउ थ्रू ऑपरेशन ऑफ डेमोक्रेसी सब है. देन सम टाइम यूज डेमोक्रेसी ऑर्गेनाइजेशन अदर देन गवर्नमेंट. जस्ट इज दिस वी आर ए वेरी गुड एंड वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली. व्हेन एवर डिसीजन हैड टू बी टेकन कोई भी डिसीजन लेना होता है सो वी ऑल सिट डाउन. हम सब बैठ के एक कंसेंसस पे डिसीजन लेते हैं. ओपिनियन सबके मैटर करते हैं. एज माय फादर ऑल्सो आई don't like teachers who do not allow students to speak and ask question in the class. I would like to have the teachers with democratic temperament. ka teacher hona chahiye. one leader and his family member decide everything in the party. kya isko hum democracy banenge. so ye baatein chal rahi. therefore using the word democracy go back to the basic sense of the method. jo humne baat ki thi democratic decision involves consultation with the consent of all who are affected by that decision.
दोज हु आर नॉट पावर्ड हैव द सेम से, जिसे वो बोल सकते हैं दिस कैन अप्लाई टू गवर्नमेंट और ए फैमिली, ताकि वो अच्छे से डिसीजन ले सके सभी लोगों की भलाई के लिए, ताकि लोगों का जो स्टैंडर्ड है वो भी सुधरे। बट टू सेटअप आइडियल स्टैंडर्ड होने चाहिए गवर्नमेंट डेमोक्रेसी। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू द कंट्री ओनली वेन नो वन गोज हंग्री टू डाइट। ठीक है, इन डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग। फॉर दिस यू डू नॉट नीड जस्ट टू इक्वल राइट टू वोट, एवरी सिटीजन नीड टू हैव इक्वल इंफॉर्मेशन, बेसिक एजुकेशन होना चाहिए, इक्वल रिसोर्स होना चाहिए, लॉट ऑफ कमिटमेंट। इसके अलावा इफ यू टेक दिस आइडिया सीरियसली, अगर इसको लेके चलेंगे, दैट नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज ए डेमोक्रेसी येट, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेमोक्रेसी इज एन आइडियल रिमाइंड है हमारे लिए, दैट वैल्यू करेंगे हमारे डेमोक्रेसी को। इट एनेबल्स अस टू जज एन एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी एंड आइडेंटिफाई करेंगे वीकनेस को, हेल्प करेगी टू डिस्टिंग्विश मिनिमल डेमोक्रेसी एंड ए गुड डेमोक्रेसी में क्या डिफरेंस है। इन दिस बुक डू नॉट डील मच विद द एक्सपेंड नोशन ऑफ द डेमोक्रेसी। हमारा हमारा फोकस रहेगा कि डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। नेक्स्ट ईयर आपको पता चलेगा कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी क्या होती है, उसको इवेल्युएशन करना, फिर कॉमन लोगों की कोई बात चल रही है। इसके अलावा ऑल्सो मेट दैट नो कंट्री इज परफेक्ट डेमोक्रेसी, कोई भी कंट्री नहीं है। दिस फीचर डेमोक्रेसी दैट इज डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर प्रोवाइड ओनली मिनिमल कंडीशन आपको बताई गई है यहाँ पे। एवरी डेमोक्रेसी हैज टू ट्राई रियलाइज आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक डिसीजन, दिस कैन नॉट बी अचीव्ड वंस फॉर ऑल। तो ये बात है, डिस्टिंग्विश करता है डेमोक्रेसी को अदर गवर्नमेंट से, मोनार्क वगैरह नहीं होंगे, नॉन डेमोक्रेटिक से अलग अच्छी है। बट डेमोक्रेसी डिपेंड ऑन द एक्टिव पॉलिटिकल जो पार्टिसिपेशन है बाय द ऑल सिटीजन, यही आवश्यकता है। एंड दिस इज व्हाई टू स्टडी डेमोक्रेसी मस्ट फोकस ऑन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो दैट्स इट, आज का चैप्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग था, एंड अगले जो चैप्टर आएंगे वो भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। सो वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।